हम यहाँ विमेन क्राफ्ट्स जो कि ट्राइबल्स बना रहे हैं उसके बाहर आ गए हैं रणथंबोर में। चलिए दिखाते हैं अंदर क्या है। ये सर हमें बताएंगे यहाँ की स्पेशलिटीज और एक एक चीज़ों के बारे में। बताइए सर। यहाँ पे मैम पहले क्या है, जो सारे जो लोग थे पहले जंगल में गांव थे। ओके। वहाँ पे जो गांव थे उस जब ये पार्क डेवलप किया गया तो लोगों को यहाँ से निकाला गया, यहाँ से दूर में जगह दी गई। वहाँ पे लोगों को फिर लोगों के पास काम नहीं था तो वहाँ पे टीचर आए, वहाँ पे सिखाया गया लोगों को। कुछ फैमिली पेचवर्क का काम, किसी को सिलाई का काम, किसी को उड़न का काम, किसी को दरी का काम, तो अलग अलग काम सबको सिखाया गया। हम देख पा रहे हैं कि ब्लॉक पेंटिंग्स होती हैं। अभी यहाँ कोई बैठा नहीं है पर यहाँ पे हम नमूने देख पा रहे हैं पीछे। ये देखिए एक छोटे से हैंकी पे ब्लॉक पेंटिंग कर रखी है और ये इसका साँचा है इस तरीके का। ये देखो ये वुड पे पहले इसके डिजाइन बनाया जाता है जी। डिजाइन बनाने के बाद में इस के कलर कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं, जैसे कि रेड कलर बनाना है, ब्लू बनाना है, ब्लैक बनाना है, पिंक बनाना है, तो हर कलर से यहाँ पे बनाए जाते हैं। कलर बनाने के बाद में फिर ब्लॉक प्रिंटिंग किया जाता है। बढ़िया। और ये आप मशीन वाश कर सकते हो, हैंड वाश कर सकते हो, कलर मिक्स नहीं होगा, कलर डिफॉल्ट नहीं होगा। किस तरह के कलर हैं, केमिकल्स हैं कि नेचुरल कलर्स हैं? नेचुरल कलर्स हैं, नेचुरल कलर्स। जैसे शुगर कैन से हो गया, जैसे स्पिनच से हो गया, टर्मरिक से हो गया, लाइम स्टोन से हो गया, इंडिगो फ्लावर से हो गया, तो ये सारे ये कलर्स बनाए जाते हैं। और ये और भी चीजें मिक्स की जाती है। ओके। तो वो मिक्स करके फिर बनाए जाते हैं। बढ़िया। तो उसके बाद में फिर एक कलर कॉम्बिनेशन करना, ब्लॉक प्रिंट किया जाता है। आप कैसे मशीन वाश करो, हैंड वाश करो, कलर नहीं जाएगा। गजब। अब आपको दिखा रहे हो ये हमें लाइव एग्जांपल देंगे कि किस तरीके से काम करते हैं। बड़े देखो, बड़ा लगा, बड़ा कॉटन एंड सिल्क पे होता है। ये एक नया कपड़ा लिया है इन्होंने, बिल्कुल प्लेन वूलन एंड कॉटन पे भी होता है, और सिल्क पे भी ये ब्लॉक प्रिंट भी होता है। ये किस तरह की डाई है भैया? ये हम मिक्स करके बनाते हैं, वेजिटेबल कलर होता है। ये इंडिगो कलर है। एक ही बार में भैया ने यहाँ पे छाप दिया है एक टाइगर, टाइगर फेस। और ये केमल है, बहुत सुंदर। बटरफ्लाई। और बस एक बार छापने के बाद इसे किसी तरीके से धो, कुछ करो। हाँ, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एंड टू एंड आपको दिखा दे सकते हैं। चिड़िया भी आ गई है यहाँ पे, टाइगर फेस लीजिए, टाइगर आई। ये देखो गजब की चीज है। मेरे पास छपा हुआ कपड़ा है, आपके सामने भिगो के लेके आता हूँ। हाँ मैडम को दिखाओ, आपको पूरा ही काम करता है। ये देखिए कुछ नहीं उतर रहा भाई, एक बार लगाने के बाद कुछ नहीं उतर रहा इसका, कला है। इसको बनाने के बाद में स्टिंग भाप से पकाते हैं हम। ओके। और फास्ट कलर रहता है, ये बिना स्टिंग नहीं निकलता है। बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू वेरी मच। आप पे देख लीजिए एक बार, आप सिल्क पे बनता है, कैनवास पे बनाते हैं, पेपर पे बनाते हैं, पेपर शीट पे भी पेंटिंग बनती है। पहले कई लोग हमें स्केच फोटोग्राफ देते हैं और कई दफ़ा हम फोटो बुक में देख के स्केच करते हैं और स्केचिंग करके उसके बाद में कलर को भरते हैं इसमें, और 8 टाइप कलर भरते हैं। कलर भरने के बाद हम इसमें 20 टाइप हेयर बनाते हैं, 20 टाइप के। हाँ जी, ब्लैक, ब्लू, रेड, येलो, हर तरह के। और ये जो ब्रशेज है ये स्क्रॉल हेयर है, ये स्क्रॉल हेयर ब्रशेज है जी। विदाउट स्क्रॉल हेयर ब्रशेज नेवर मेक इट पेंडिंग। ये बारीकियां जो हैं आप देखिए, एक्रिलिक कलर, वाटर कलर आल्सो, स्टोन कलर्स। यहाँ पे एक आर्टिस्ट है वो बहुत फेमस है, गुंगा वेराओ डिपेंडम, वो काफी पॉपुलर है इन इंडिया में, वो काफी अवार्ड ले चुका है। उसका नेम है इमामुद्दीन। वो केवल हमारे इस सोसाइटी में पेंटिंग देता है और कहीं भी उसकी पेंटिंग मिलेगी। कुछ पेंटिंग है उसकी यहाँ पे, वो काफी फेमस है। उसकी यूके में भी जाती है पेंटिंग, क्रिस्टल आर्ट गैलरी में। पीछे की आंख देखिए, आपको उसमें नजर आएगा कि हाँ वो नेचुरल है, मतलब बहुत ही नेचुरल पेंटिंग उन्होंने बनाई। आंटी मतलब मौसी जी, उसकी आंख देख लो एक बार। बना दिया ये अलग अलग पार्ट, देखो ये नेक पार्ट हो गया, ये नेक पार्ट हो गया, ये नेक पार्ट हो गया।
ये ट्राउजर्स का हो गया, अलग अलग पार्ट से काट काट के जॉइंट किया जाता है, सारे जॉइंट किए जाते हैं। ये सूटों को काट के पैच वर्क बना के पूरी की पूरी बेडशीट बना दी गई है, बेड कवर आप बोल सकते हैं। ये दो मैडम हैं, इन्होंने बनाई है। बनाते हैं केबल भी बनाते हैं, टाइगर भी बनाते हैं, स्मॉल साइज में आता है, और रनर्स कुशंस वो बनाए जाते हैं। कोलाज को अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा आपको हाथी नजर आ रहा होगा, ये इसी तरीके से सूटों का पैच वर्क बना के बनाया गया है, ब्यूटीफुल। ये देखिए व्हाइट कलर का एक पीस इन लोगों ने बना रखा है, बताएंगे क्या कैसे बनाया है। डिजाइन है इसमें, क्या होता है पहले के जमीन पे एक लकड़ी का फंटा रखा जाता है, उसके बाद में उसको डिजाइन की जाती है, जैसे नील्स होता है, थम्स होता है, उसको कपड़े को काटा जाता है, डिजाइन बनाया जाता है। बढ़िया। तो डिजाइन बनाने के बाद में इस जो पूरा हाथ से काम किया जाता है, इसमें हर तरह के डिजाइन बनाते हैं, हर तरह की बॉर्डर बनाई जाती है। देखो आप, इसमें हर तरह के वर्क किया जाता है। ये एप्लिक होता है, ये मलमल कॉटन होता है, ये फाइन कॉटन होता है। इसमें बहुत सुंदर ये मशीन वाश करते हैं, हैंड वाश करते हैं आप लोग। इसका इसका प्राइस होगा 5,500 रुपये। कितनी लेडीज काम करती हैं सर? मैडम यार, लेडीज का करीब मोर देन 650 लेडीज काम करती हैं यहाँ पे। क्या कि हम गांव गांव में काम करते हैं, जैसे कांथे का काम है, कुछ पेंटिंग का काम से, बहुत सारी जरी सिलाई का काम है, अब कुछ गलीचे बनवाते हैं, कुछ दरी बनवाते हैं, इस तरह सब लेडीजों का काम। सबसे पहले हम बहुत 5-7 लेडीज से काम स्टार्ट किया था। ओके। उसके बाद में धीरे 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 हमने इसको बनाते गए। अब आज इस तरह पैसे की सारा माल यहाँ से, जैसे लोग देखने आते हैं, खरीदना कोई जरूरी नहीं, आए देखें, अगर पसंद आता है उसको आप ले यहाँ पे। वैसे बहुत सी मेनली काम हमारा जयपुर आगरा दिल्ली या दुकानदार आते हैं, वो यहाँ से माल लेके जाते हैं। बहुत बढ़िया सर। पर्सेस देखिए, यहाँ पे पर्सेस भी मिल रहे हैं, वो वाले दुपट्टा। यहाँ पे आप देखिए बहुत सारी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं, अगर आपको लेनी है तो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कपड़ों पे आप ले सकते हैं। ये मछली है, और ये अलग अलग टाइगर्स के नाम के पेंटिंग है, जैसे मछली टाइगर जो है वो आप देख रहे हैं, इसके यहाँ पे हेड पे मछली टाइप का साइन था, इसलिए इसे मछली टाइगर बोलते थे। और इसके भाई बहनों के भी फोटोज हैं यहाँ पे। आइए, आप आएंगे तो आपको पता चलेगा, दिस इज अ गुड प्लेस टू विजिट। चलिए इन पेंटिंग्स के साथ आपको छोड़ देते हैं, मिलेंगे अगले एडवेंचर में, तब तक के लिए बाय बाय।